हाय गाइज, वेलकम बैक। आपका अपने चैनल पे एक बार फिर से बहुत ज़्यादा स्वागत है। गाइज, आज के इस वीडियो में हम आईफोन XR का बैटरी रिव्यू करने वाले हैं iOS 18.0.1 के नए लेटेस्ट अपडेट पे। सो गाइज, इस अपडेट को मैं अपने डिवाइस के ऊपर पिछले 4 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, और क्या मेरे को बैटरी से रिलेटेड रिव्यूज़ देखने को मिले हैं वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सो गाइज, अगर आप सभी भी आईफोन XR को यूज़ कर रहे हो और आप अपडेट करने के बारे में सोच रहे हो iOS 18.0.1 की अपडेट को इस डिवाइस के लिए, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आप सभी के लिए होने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, चलते हैं सीधा सेटिंग्स में, और यहाँ पर आप देख सकते हो अबाउट में iOS 18.1 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा न्यू बिल्ड नंबर के साथ। और साथ में इस अपडेट में आईफोन XR के लिए क्या कुछ नया फिक्स करा गया है, दो इश्यूज़ यहाँ पर आईफोन 16 एंड 16 प्रो मॉडल्स के लिए फ़िक्स करे गए हैं, और बाकी जो पुराने डिवाइसेस के लिए फ़िक्स करे गए हैं। जैसे कि परफॉर्मेंस में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे आईफोन्स के मॉडल्स में, तो उनको एप्पल ने फिक्स करा है, क्योंकि जो मेमोरी है वो काफ़ी फुल रह रही थी, उसके कारण जो परफॉर्मेंस में डाउनग्रेड देखने को मिल रहा था पुराने डिवाइसेस में जो iOS 18 के अपडेट को सपोर्ट करते हैं। सो सबसे पहले बैटरी हेल्थ में चलते हैं। इस डिवाइस की बैटरी हेल्थ अभी तक भी ड्रॉप नहीं हुई है। सो iOS 18 के स्टेबल अपडेट में भी ड्रॉप नहीं हुई थी। अब जो iOS 18.0.1 का स्टेबल अपडेट आया है, इसको भी 4 दिन यूज़ करने के बाद भी बैटरी हेल्थ 84% आपको यहाँ पर शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि बैटरी हेल्थ से रिलेटेड ये जो अपडेट है आईफोन XR के लिए काफ़ी बढ़िया है। और साथ में आप देख सकते हो लास्ट चार्ज मैंने इसे करा था 91%, वो भी संडे को रात के टाइम पे 9:45 PM पे। तो ओवरनाइट में ये कितनी बैटरी को इसने ड्रेन करा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन ऑन टाइम मेरे डिवाइस का हो जाता है 1 आवर 32 मिनट्स का। अगर हम पिछले 10 दिनों का स्क्रीन टाइम देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि स्क्रीन टाइम इसका तकरीबन 2 घंटे तक का एटलीस्ट चला जाता है, इसके ऊपर नहीं जाता है। और यहाँ पर इसकी यूसेज जो है वो कुछ ऐसी है, जैसे कि कैमरा एप्लीकेशन इस पे यूज़ होती है, YouTube और होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन एंड फोटोज़, तो ये 4 एप्लीकेशंस मेन रहती हैं इस डिवाइस में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो अगर इनकी एक्टिविटी देखें तो एक्टिविटी यहाँ पर आप देख सकते हो 43 मिनट्स तक ये एप्लीकेशन यूज़ हुई है ऑन स्क्रीन। और साथ में बैकग्राउंड में अगर बात की जाए तो 1 मिनट तक ये एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं डे टू डे रूटीन में। उसके बाद ओवरनाइट में आईफोन XR कितनी बैटरी को ड्रेन कर देता है, सीधी सीधी ये 10% बैटरी को रात के टाइम पे ड्रेन कर देता है आईफोन XR iOS 18 के इस नए स्टेबल अपडेट में, क्योंकि मैंने इसे नोटिस करा है। रात के टाइम पे मैं इसे चार्ज करता हूँ और सुबह मेरे को 10% कम देखने को मिलती है इसकी बैटरी लेवल। तो इस तरीके का आपको आईफोन XR पे बैटरी लेवल देखने को मिल जाएगा बैटरी रिव्यू। और साथ में बात करी जाए ओवर हीटिंग की, तो वाइल्ड चार्जिंग ये जो डिवाइस है काफ़ी हीट होता है। अगर आप इसके ऊपर 15 मिनट्स या 20 मिनट्स तक कैमरा की एप्लीकेशन को यूज़ करते जाओगे बिना रुके, तो भी आपका डिवाइस काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप जो है वो आईफोन XR पे इतना बढ़िया तो देखने को नहीं मिलने वाला है एज़ कंपैरेटिवली बाकी जो डिवाइसेज हैं एप्पल के, क्योंकि ये डिवाइस काफ़ी पुराना है और यही लास्ट डिवाइस है जो कि iOS 18 के अपडेट को सपोर्ट करता है। और नेक्स्ट जो अपडेट रहने वाला है वो ये डिवाइस सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये iOS 18 के लिए कंपैटिबल डिवाइस है या नहीं, तो बैटरी बैकअप को लेकर ये डिवाइस जो है वो इतना बढ़िया बैटरी बैकअप नहीं प्रोवाइड कर पाएगा आपको, अगर आप डे टू डे रूटीन में इस डिवाइस को अपना पर्सनल डिवाइस तरीके से यूज़ करते हो। तो उसके बाद यहाँ पर बात आती है ये जो अपडेट है आपको इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं। सो गाइस, इस अपडेट में एप्पल ने कुछ बग्स फिक्स करे हैं। बग्स की अगर बात करी जाए तो उसको लेकर आप इस अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हो, वरना आपको ये अपडेट इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी बैटरी से रिलेटेड कुछ भी फिक्स नहीं करा गया है। सो ये थी गाइस आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपको अपने चैनल की हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।